पोपटलाल लगता है पोपटलाल ने जरूर भूती को देख लिया होगा। बिचारे की देखू पोपट क्या हुआ है, ये क्या हाल बना रखा है भाई, कुछ बोलो मुँह से, ये इस तरह से कैसे गिर गए थे तुम? हाँ क्या हुआ बोल। हाँ इतने जोर से चीखा क्यों? पोपटलाल आकर तुमने ऐसा क्या देख लिया? भूतनी दस बाबू कंकर कंकाल? अरे कंकर नहीं कंकाल कंकाल। कंकाल क्या होता है? हाँ कंकाल मतलब स्केलेटन भाई, हाड़ पिंजर। चलो ना नीचे जाके देखते हैं। क्या वाडून ढोले का खाली, क्या नीचे जाके देखते हैं? क्या क्या देखा? मेरे ऊपर गिरा और आकर मुझसे लिपट गया। पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। गायब हो गया? अरे क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? पहले हम लोगों को वो भूतनी दिखी, अभी इसको ये कंकाल दिखा। कहाँ हो गया कंकाल? अरे चाचा जी आराम से। बापू जी सब बोलिए। पोपट भाई अय्यर कहाँ है? अरे अय्यर कितने हैं? बबीता जी पूछ रही है अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? बोलो पोपट भाई बोलो बोलो कहाँ है अय्यर? अय्यर भाई तो वो मेरे साथी थे, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए घर गया, वापस आकर देखा तो अय्यर भाई कहाँ? अय्यर गायब मतलब? पता जी कहीं अय्यर भाई को भूतनी तो नहीं ले गई? दया भाभी आप क्या बोल रहे हो? अरे दया ये क्या बोल रही है तू? डरा हुआ बबीता जी और डर गए। बबीता जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं हुआ होगा अय्यर भाई को, हिम्मत रखिए। बिल्कुल भूतनी भूतनी कुछ नहीं होता है। हाँ मैंने कितनी बार मना किया उसको, किसने कहा था उसको यहाँ पे आके पहरेदारी करने के लिए? अभी होने को कौन टाल सकता है बबीता जी, हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं अभी? कहाँ है अय्यर? मैं यहाँ पर हूँ। अरे अय्यर भाई पूरा अय्यर भाई उधर है। नक्की नक्की भूती बारी बारी सबको पकड़ रही है। अरे कोई निकालो। कैसे पहुंच गया यार ऊपर? कैसे ऊपर कैसे चढ़ गए भाई? ऊपर क्या कर रहे अय्यर? मेरे को नीचे उतारो, मेरे को नीचे उतारो। अरे अय्यर तू वही रुक, मैं तेरे सीढ़ी लेके आता हूं। सीढ़ी का बगर का कैसे नीचे आ सकता है? ध्यान रखना चाहिए ना एक दूसरे का। थोड़ा और पीछे, आराम से आराम से। थोड़ी थोड़ी पकड़। हाँ ये थल्ले आ जा, और चिंता मत कर मैंने पकड़ के रखा है। शाबाश, और तू चेन्नई का शहर है, आजा आजा एक एक पैर रख, आराम से आराम से। अरे शांति रखो तो डर जाएंगे यार भाई बेचारे। अरे धीरे धीरे यार साहब ये क्या, कैसे चोट लग गई छपरे पे, कहाँ पहुँच गया, हुआ क्या आपके साथ? अय्यर कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? सुना तुम लोगों ने, किसने भी भूतनी को देखा?
क्या कहना चाहते हो? भूतों ने तुम्हारा हाल किया है? हाँ, भूत ने मारा। हाँ, पर एक नहीं, तीन तीन भूतों ने मेरे को मारा। वो लोग मेरे को खींच कर ऊपर कब ले गए और वो पता ही नहीं चला। गॉड अय्यर, सोसाइटी में तीन तीन लोगों ने उस भूतनी को देखा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कहाँ गया तुम्हारा साइंस? हाँ बोलो बोलो अय्यर भाई, बोलो। बबीता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे मैं जब भी भूत के बारे में बोलता था अय्यर भाई हंसते थे मेरे ऊपर। और ये पोपटलाल तुम क्या बोल रहे थे? भूत को मैं अपने छाते से पकड़ दूंगा। अभी अभी क्या हुआ बोलो? क्या कैंसल पोपटलाल? अरे पोपू क्या कैंसल? दुनिया में भूत नहीं होता, ये बात मानना कैंसल। मैंने तो अभी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। भूत के खिलाफ अब मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। अरे हिम्मत करो सामने आप भूत और भूतनी। ये तो भूतनी को बुला रहे बात ये किया। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले अपने घर पे आज रात को नहीं सो पाऊंगा। चलो चलो तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल भाई रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए। सर थैंक यू,
बड़ी भयानक रात है भाती भाई। वो कंकाल कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया बिल्कुल पता नहीं चला। पोपटलाल, वो सारी बातें दिमाग से निकाल दो और इत्मीनान से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। यहाँ मैं अकेले कैसे सो सकता हूँ? अरे गोली है ना। हाँ पोपट अंकल। हाँ बहुत बहादुर है मेरा बेटा। हाँ। हाथी भाई मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे नींद का कोई इंजेक्शन दे दीजिए। अरे पोपटलाल तुम्हें इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हें नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ कोशिश करता हूँ। आ जाओ अंकल, आ जाओ। चलिए आइए आइए सोइए। कानन कुंडल कुंचित केसा आत्मरज अभिराजे कादे मुचने उसाजे शंकर सोने केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद। अरे पोपट अंकल मैं ही हूँ, अभी आप सो जाइए ना, मत डरिए। कल मेरी स्कूल है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज सो जाइए। सो रहा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिस देवलोक को जाकर। माधवी उठ, सोलो। आधी वो देखो कनाडा अपने आप हिल रहा है। बाबू वो पंखे की हवा से हिल रहा है। सो जाइए ना। हाँ पंखे की वजह से। अंजलि सुनो, कोई भूतनी नहीं गा रही भाई, सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने ही फोन का अलार्म लगाया था कि रात को उठ के आर्टिकल लिख दूंगा, अलार्म बजाए, नथिंग इज देयर। नहीं कोई अलार्म नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। देखो तारक, देखो मैं आर्टिकल लिख के अभी आता हूँ, रुको। तारक एक मिनट मेरी बात सुन लो, अगर तुम वहाँ आर्टिकल लिखने चले गए या भूत आ गया और मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, चलो अच्छा मैं नहीं जाता, ओके सुबह लिख दूंगा आर्टिकल, ओके सो जाओ अभी, ओके सो जाओ, नथिंग विल हैपन, सो जाओ, कोई भूत भूत नहीं होता, वैसे भूत ऐसे ही पकड़ता है। मजाक कर रहा हूँ, सो जाओ, ओके आई एम देयर। तारक देखो, अरे हाँ अगर मुझे छोड़ कर गए ना तो देखना, सो जाओ मैं बैठा हूँ। Hi friends. Hi.
टप्पू क्या हुआ गोली, तू इतना नींद में क्यों लग रहा है? अरे टप्पू कल मेरे घर पे पोपट अंकल सोए थे ना, पूरी रात जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते रहे, इस वजह से मैं सो ही नहीं पाया। मेरे घर पे भी ऐसा ही हाल था, पापा थोड़ी सी भी आवाज से जग जाते थे। और टप्पू मैं टीवी देख रहा था ना तो भी मम्मी डर गई। ये भूतनी के वजह से ना तो ठीक से खा सकते ना तो ठीक से सो सकते। डोंट वरी फ्रेंड्स, भगवान हमें जरूर कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे और वक्त आने पर हम सब मिलकर भूतनी का सामना करेंगे। चलो फ्रेंड्स। टप्पू के पापा, आप रात को बराबर सोए नहीं है ना? ये भूतनी ने तो नींद की वाट लगा दी है। वैसे तू भी कहाँ ठीक से सो पाई, लेकिन तेरा क्या, तू तो अभी दोपहर को सो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी एक गरबा का राउंड करूंगी ना तो फ्रेश हो जाऊंगी। चलो आपको भी फ्रेश होना है, अरे चलिए ना, तीन ताली कर गया, चलिए ना, चलिए चलिए। माफ करो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेन्द्र। हाँ, अरे सुनिए आपके पापा, दुकान से जल्दी घर पर आ जाना, मैं तो कहती हूँ शाम को ही आ जाइए। अरे ऐसे रोज शाम को दुकान बंद करके घर आऊंगा ना तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए दुकान बंद करके घर पे तीन नहीं छह ताली का करवा लेना पड़ेगा। आजा तेरी तो। रोशन आई शो करी छे, देखनी नहीं सोनी है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि अगर ये भूत हम में से किसी पे भी हमला करे ना तो मैं इस भूत को मार मार के इस भूत का मैं फर्दा बना दूँ। खेलो किटना, ऐसे भूत से कोई मारा मारी करते है क्या? याद है ना कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का भूत ने क्या हल किया था बाबा? जानता हूँ सोनिए, जानता हूँ, पर वो भूत इस रोशन सिंह सोडी को नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये हाथ 20 किलो का है और सीना एकदम फौलाद का। अगर ये भूत मेरे सामने आ गया ना तो इसको मार मार के मैं इसकी चटनी पे चटनी बना दूंगा। ए फौलाद वाली, गैरेज जा, जाके काम कर। और ठीक है सोनिए, तू कहती है तो मैं जाता हूँ गैराज, पर आज रात अगर मुझे ये भूत कहीं मिल गया ना तो मैं अनू चटाना नहीं। हो खुदाई जी, रोशन रात को कुछ गड़बड़ ना कर दे, देवन से जाकर मिलती हूँ। देवन, देवन। हाँ रोशन पापी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे परेशान तो ये रोशन ने कर रखा है बाबा। क्यों, अब क्या किया सोडी भाई ने? देखो ना, कल रात को रोशन ने आखी सोसाइटी के सामने उस भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया और अभी सुबह से घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, बोलता है मैं भूतनी के साथ बॉक्सिंग करूंगा। वैसे सोनी भाई है हिम्मत वाले। अरे क्या हिम्मत वाले दया बहन, कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का उस भूतनी ने क्या हल किया था ये रोशन है कि समझता ही नहीं है, जस्टी होशियारी मारता है। अब इसकी होशियारी में कुछ गड़बड़ हो गया तो सबको तफलीक हो जाएगी बाबा। बात तो सही है। अरे दया बहन, इस भूतनी का कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, हम आज अभी इसी वक्त लेडीज की मीटिंग बुलाते हैं। देखिए पिछले दो तीन रातों से हमारी सोसाइटी में अजीब गरीब घटना हो रही है जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पहले वो भूतनी को टप्पू के पापा और बापूजी ने देखा, उसके बाद भीड़े भाई ने भी देखा। हाँ, हाँ। और फिर अय्यर और पोपट भाई भी शिकार हो गए। हाँ। मुझे तो मेरे रोशन की फिक्र हो रही है, खुदाए उसने तो भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया। हे भगवान, मुझे डर है कि कहीं आज रात को उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम लेडीज को ही इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकलना होगा। मिल गया रास्ता। क्या क्या सुंदर,
सुंदर भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो दया भाभी फोन लगाइए ना। लग रहा है। हेलो सुंदर, मैं बोल रही हूँ। मीरा, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप बताती हूँ। ठीक है मीरा, मैं फोन कर देती हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। दया भाभी क्या हुआ? मेरे वीरा ने रास्ता बता दिया है। क्या क्या? झुमरू बाबा। झुमरू बाबा? झुमरू बाबा का नाम है बहुत। हाँ, झुमरू बाबा ये बहुत बड़े तांत्रिक है। मेरे वीरा ने कहा कि ये झुमरू बाबा भूत की चोटी को पकड़ के उसको बॉटल के अंदर बंद करके उसको पानी में फेंक देते हैं। दया भाभी तो फिर जल्दी से फोन करके झुमरू बाबा को बुलाइए ना। हाँ दया भाभी फोन कीजिए। हाँ हाँ। और हाँ, ये बात कोई भी अपने पति को नहीं करेगा। नहीं, नहीं, नहीं। बाबा कि हम झुमरू बाबा को बुलाने वाले हैं, वरना वो लोग हमें किसी भी बाबा को बुलाने नहीं देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही दया भाभी। दया भाभी हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। आप जल्दी से फोन कीजिए। नहीं लग रहा फोन। उठाइए बाबा उठाइए। फोन ही नहीं लग रहा है। ओ भगवान। तो आप सुंदर भैया को फोन करके पूछिए ना उनका कोई दूसरा नंबर है कि नहीं। हाँ हाँ चले। हाँ ये बराबर कहा। बराबर है। सुंदर तुमने झुमरू बाबा का नंबर दिया था ना, वो नहीं लग रहा है। तो तुम्हारे पास दूसरा नंबर है? हाँ? नहीं है? अरे देवा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो तुम भी वहाँ से कोशिश करते रहना, मैं भी यहाँ कोशिश करती रहूंगी। और सुंदर तुम्हारा नंबर अगर लग जाए और उनसे बात हो तो उनको हमारे अपॉइंटमेंट लिखवा देना। थैंक यू मीरा। लेकिन दया बहन सुंदर भाई का भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो? हाँ। देखिए रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से लगातार फोन करती रहूंगी और जैसे ही उनका फोन लग जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, झुमरू बाबा का नंबर ही नहीं लग रहा है। अगर दिन के कामकाज में झुमरू बाबा का संपर्क करना ही भूल गई और कोई और झुमरू बाबा को बुला लेंगे तो रात को तो उपाधि हो जाएगी। क्या करूं? हाँ नंटू काका को फोन करके कहती हूँ कि वो लगातार झुमरू बाबा को फोन करते रहा। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए सेठानी जी। हाँ नटू काका, देखिए आपके आसपास टप्पू के पापा तो नहीं है ना? जी नहीं सेठानी जी, वो तो बाहर दुकान में है। एक मिनट में अभी बुलाता हूँ। नहीं 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 मत बुलाइए, मुझे सिर्फ आपका ही काम है। बोलिए सेठानी जी क्या काम है? देखिए नटू काका, मैं आपको एक तांत्रिक का नंबर देती हूँ और उनका नाम है झुमरू बाबा। सेठानी जी एक मिनट, ऐसे कोई तांत्रिक का नाम मैंने सुना है जो भूत की चोटी पकड़कर बोतल में बंद कर देता है? अरे हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उनसे ही बात करनी है। पर देखिए ना मैं कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप ही ट्रैक कीजिए। अरे सेठानी जी उसका नंबर है मेरे पास। हा? एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था ना तो उसके नाम का स्टिकर लगा था, उसमें से मैंने उसका टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया था। रुवा, तब एक काम कीजिए,
बाबा को फोन करके आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भूत पकड़ने का आमंत्रण दे दीजिए। अरे सेठानी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो गया समझो। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। थैंक यू के लिए मेरा भी थैंक यू सेठानी जी। चलो अभी सेठ जी का काम बाद में, पहले सेठानी जी का काम कर। बाबा का नंबर, मिल गया। हेलो डमरू बाबा, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। आपको एक भूत पकड़ने का ऑर्डर देना है, लेकिन देखिए काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। एड्रेस लिख लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी के बाजू में, गोरेगांव ईस्ट। लेकिन देखिए भूत पकड़ने का काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। बस सेठानी जी का काम हो गया। हेलो, सुंदर बोल। अच्छा तुम्हारी बाबा से बात हो गई? अच्छा ठीक है, आज रात को आएंगे ना। वीरा वीरा सुन, हमारी सोसाइटी की सभी बहनों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। हेलो, हाँ नटू काका। अच्छा आपके भी बाबा से बात हो गई? अच्छा आज रात को 9 बजे आएंगे, ठीक है ठीक है। नटू काका सुनिए, थैंक यू। आज रात उस भूतनी का फैसला हो ही जाएगा। क्या बात है दया, हम सब जेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी से भूत को भगाने के लिए हम सारी लेडीज ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? पहले तो ये भूतनी का अंधविश्वास, ऊपर से फिर ये तांत्रिक। अरे ये तांत्रिक वांत्रिक पाखंडी लोग होते हैं, भोले भाले लोगों में भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बना के लूटते हैं। क्या किया आपने ये? एक मिनट मेहता साहब, दया भाभी ने तांत्रिक को बुलाकर एकदम सही काम किया है। अरे पर मेहता साहब, पोपटलाल सही कह रहा है। क्या सही कर रहा है भिड़े? अरे जिस पर बीतते वही जानता है। अगर आपने उस भूतनी को देख लिया होता या आप पर हमला किया होता ना, तो आपको समझ में आता। हाँ करेक्ट, साची बात है, होगी ना अय्यर? हाँ एकदम बराबर है, एकदम करेक्ट है आत्मराम। क्या करेक्ट है अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो के इन सब बातों पे यकीन करते हो? अरे भाई साइंटिस्ट यकीन क्यों नहीं करेंगे, छपरे पे फटके जो मिले साइंटिस्ट को। सही बात है। क्यों तो यारो, तुम लोग डरो नहीं, आज रात में बिल्कुल भी सोने वाला नहीं हूँ। आने दो उस भूतनी को, मार मार के उसका पुर्ता बना दूंगा। रोशन चुप कर ली, कहीं भी बोले चे भूतनी सुन लेगी तू बाबा। ऐसी की तैसी उस भूतनी की। अरे सुनने दो, तभी तो आएगी वो भूतनी। ओम सानेश्वर भूतम भागा। अरे आने बाबा, भूतों को भगाने आया हम। बाबा बाबा नमस्ते, आइए 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 बाबा। हाय टोपी, तेरे पास 35 रुपया है? बाबा आपको कैसे पता चला? जा रिक्शा खड़ी है, उसको देखिया। हाँ। इस सोसाइटी में भूत है। चायू? वो हमको पता है, इसीलिए आपको इधर बुलाया है भाई। हाँ। ये दया बोलना भाई इसको। हाँ हाँ। बाबा अब जल्दी से भूत को पकड़ के बाटली में डाल के समुद्र में फेंक दीजिए ना। हाँ प्लीज बाबा प्लीज।
अरे अभी डरने की बात नहीं है, मैं आ गया ना। शाबाश शाबाश। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। आजा आजा आत्मा, दुष्टात्मा, प्रेत आत्मा, अब तेरा कर देगा मैं खात्मा। कौन है? तू क्या भूत का खात्मा करेगा? सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा। आ गए रे मेरी पकड़ में। अरे तेरे को क्या लगा, तू तांत्रिक का भेष करके आएगा तो मैं पहचानूंगा ना? भूत पाखंडी, मैं भूत नहीं हूँ, ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। इस सोसाइटी में से भूत भगाने के लिए मुझे बुलाया है, झुमरू बाबा को। आप झुमरू बाबा हो? हाँ मैं झुमरू हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। अच्छा तो आप कौन हो? डमरू बाबा। लो। आपको किसने बुलाया? कोई नट्टू काका ने। या नट्टू काका बीच में कहाँ से आया इसमें? नहीं नहीं वो क्या है कि झुमरू बाबा का फोन नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन हमेशा बिजी रहता है। तो इसीलिए मैंने नट्टू काका को कहा कि आप झुमरू बाबा का फोन ट्रैक करते रहना। तो मुझे लगता है कि नट्टू काका ने झुमरू बाबा के बदले डमरू बाबा को फोन कर दिया। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भूत को भगाएगा कौन? अरे भूत को मैं भगाऊंगा। भगाओ। अरे तू क्या भगाएगा पिल्लू? मैं भगाऊंगा दी ओरिजिनल झुमरू बाबा। I have no branch. Hey, English! Society में पहला मैं आया तो भूत को पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। ये डेढ़ फुट मैं भगाऊंगा। अरे आप पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं तो खत्म करूंगा। मैं तो खत्म करूंगा। मैं तो खत्म करूंगा। Yeah!
दरवाजा बंद करो भाई। अरे कोई दरवाजा तो बंद करो। बंद कर भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। वही कह रहा हूँ भाई, दरवाजा बंद करो भाई। जल्दी बंद करो दरवाजा, वरना भूतनी आ जाएगी। क्या बोलता है भाभी? कैसे आ जाएगी? अरे पोपटलाल अब्दुल जाओ, दरवाजा बंद करो। जाना दरवाजा बंद कर। जा मैं पोपट पोपट। अरे अरे सब लोग मिलकर हमको क्या बोल रहे हो भाई? आप में से कोई जाओ ना। अरे अब्दुल ने दरवाजा खोला, अब्दुल दरवाजा बंद कर। जा मैं जा तू जा मैं जा तू जा। छड्डो यारो, काय को लड़ रहे हो? और मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू किधर भी नहीं जाएगा, तू इधर ही रह, हम लोग को छोड़ के मत जाना प्लीज प्लीज, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन तू फिकर ना कर, और वैसे भी वाहेगुरु जी हम सबकी रक्षा करेंगे, और मैं जाता हूँ दरवाजा बंद करके आता हूँ, देख लो इस भीतनी को। नहीं 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 रोशन प्लीज। अच्छा करा छाटे चुप बोले सोनेहाल। और कुछ भी नहीं, कोई भूतनी उतनी आती तो वहीं पे उसके साथ कुश्ती बॉक्सिंग लड़ लेता। शाबाश सोडी। थैंक यू मेहता साहब। अभी क्या कहना है आपका? अभी भी आप यही कहेंगे कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है? आप बोलिए। बोलो बोलो सब लोग बोलो। अरे क्या बोलो यार जेठालाल, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है यार। ओ यार मुझे तो लग रहा है बाहर एकदम शांति हो गई है, तो बाहर चलते हैं सारे, आ जाओ। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? क्या काम है तेरे को बाहर अभी? छोड़ी 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 छोड़ी। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो ना तुम ना हम में से कोई बार नहीं जाएगा, ये कोई वीरता दिखाने का मौका नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता हम सारे लोग यहाँ क्लब हाउस में ही रुकते हैं, क्यों क्या बोलते हो? हाँ मेहता साहब एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, हम सब लोग साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। क्या बिल्कुल सही बात है, और मार भी नहीं पड़ेगी। ठीक है और वैसे भी 4-5 घंटे ही बाकी है अभी। हाँ। लेकिन भीड़े 4-5 घंटे के बाद क्या होगा? अरे पोपटलाल सुबह हो जाएगी ना तो? अरे तो क्या, तो सुबह भूत लोग नहीं दिखते। हाँ। अरे भाई दिखते नहीं है लेकिन होते तो है ना। सही बात है, बराबर बराबर। लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई। सही बात है। हाँ सच्ची। हाँ बराबर कहा अंजलि भाभी ने। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भूतनी चाहती क्या है हमसे? कोई तो। अरे भाई हम सबकी जान चाहती है, और क्या चाहती है? बता सर, हम लोग उसको बुलाए क्या? किसको यार? वो पॉल बाबा का, वो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले ऑक्टोपस पॉल बाबा। उसे क्यों बुलाना है भाई अभी? अरे उसको पूछे कि भाई बता ये भूतनी हमारी सोसाइटी में क्यों आई है। अरे जेठालाल तुम कैसी बातें करो, वो ऑक्टोपस पॉल बाबा को विस्तार में नहीं बताता कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो खाली हाँ या ना में जवाब देता है। अरे तो उसे ये पूछेंगे कि भूतनी यहाँ से जाएगी कि नहीं। वो कैसे नहीं जाएगी, वो भूतनी अभी उसको मार मार के ना उसका चूमर बना देता हूँ, फिर भरता बना देता हूँ, फिर चटनी बना के आप सबको खिलाता हूँ, ठीक है? अभी जाते हैं। अरे सॉरी सॉरी ए भाई सॉरी, तुझे समझाया ना भाई, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हम लोग एक बार बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं कि क्या करना है, चलो। अरे भाई इधर जिसको जहाँ जहाँ मिला जगह बैठ जा भाई। Ha 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 ha
चल गोगी पुत्र, मैं तनु स्टोरी सुनाना। माधवी उठ, सोनू कुठे गेली बघ। माधवी काय झालं? सोनू काही नजर नाही आ रही है। सोनू गोगी भी नहीं है। रोशन भाभी गोळ्या टपू कोई भी नहीं है। अरे सोडी सोडी उठ, छोड़ी उठ, छोड़ी कोमल भाभी छोड़ी उठ। अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई जेठालाल मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे हाँ अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं दिखे गई। अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, चलो बाहर चल के देखते। चलो 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 से कपड़े पहन रखे हैं, कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या ये? हाँ रीटा ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों, और बोलो जवाब दो। बोलो बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना। हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे। हाँ। हाँ? क्यों?
क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। टप्पू जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? चलिए नहा लीजिए, कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है। अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योग से योग करा है सर, मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आहो मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो लेकिन वो लड़का होशियार है, मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? माधवी इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है। कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता? हंस तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है। क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा। अय्यर तुम टप्पू को इस तरह से अंडरएस्टिमेट मत करो, आई एम श्योर उसने जो भी प्लान सोचा है ना वो जरूर कामयाब होगा। बबीता मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है, अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। कम ऑन अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम साइंटिस्टों के इतने नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है, यह बहुत रिस्की प्लान है। ओए रोशन तू रिस्क विस्क की फिकर मत कर, और वैसे भी बाइकर जी है ना और सब फिक्स कर देंगे। हाँ वो तो ठीक है रोशन,
लेकिन टप्पू अभी छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है, और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है, देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान तो डर मत, वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो खुदा रोशन सु वाट करे छे, अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा। और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी भूतनी से नहीं डरता, वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार। हाँ रोशन तदन साची बात है, तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, तीर कमान से छूट चुका है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ भाई। मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हार पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। पोपट भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं तो बच्चों आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ मैं अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस मैं अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर है। देखा अंजलि कितने बहादुर बच्चे हैं। वैसे बच्चों तुमने बिल्कुल ठीक बात कही, डर बड़ी कमाल की चीज है, हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है, और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा। और मैं तो अंकल जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे, तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं आज रात को क्या होता है। So, all the best, मेरे शेर बच्चों। Thank you, Anjali आंटी। अंजलि क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? Let's hope so, तारक। भूतनी आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चली जाओ। ओके फ्रेंड्स? ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं दया, सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापू जी भी मना कर रहे थे यार। टप्पू के पापा, बापू जी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर, टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। हा? अरे तेरी जान को खतरा हो सकता है। हा? नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है, अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है घर में आते ही क्या हो गया। एक काम
करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तो समझते क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी। और सोचिए, आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे। और हम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे। और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी खुशी और शांति जो गायब हो गई है वो फिर से लौट आएगी। अरे दादाजी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापू जी। टप्पू के पापा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय बाबा। थैंक यू। बस अब रात का इंतजार है। आने दो भूतनी को। कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहूदा सवाल मुझे किसी भी भूत ने नहीं पूछा। मतलब? मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है।
वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई हो। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आज की गलती भटक रही सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुलधाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल दो दिन के लिए अपना मन क्या चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा छुपाया, लेकिन आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। झगड़े मेरे गुलामों की है।
अपनी सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। वो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था।
इंस्पेक्टर साहब इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। अब फिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हाथ पे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया, लेकिन बाकी का सबक अभी से कानून सिखाएगा। कड़ी से सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब, तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टपू सेनाई है जिन्होंने ये केस क्रैक किया, इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? अब डरे नहीं इसलिए, पहले डर गया होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी, और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है। लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए, तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र, हमारी सोसाइटी चैप नगर के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े, और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा, भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए, वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, देख तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला। अरे एक मिनट, भिड़े सुन भाई, बापू जी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। बोल ढोलकी पोपटलाल, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकाल कर कमरा सील कर दो। हाँ लेके जाओ, इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी भाई साहब? घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, एक सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल चल, अभी मैं डरता नहीं उधर से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। आई बड़ी, जा जा।
अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो, हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से आराम से। ओ छोटी भाई आशीर्वाद लेने गए बाबूजी का, बाबूजी दोनों से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए, तो आशीर्वाद भी ऊपर बाबूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी, बीबी जी, क्या डाला, क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी भूतनी भाग गई। लेकिन जनरल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारे डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। दो तीन दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये दो तीन दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई, डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे। अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ, और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। रिटा, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अच्छी न्यूज़ बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। ओके ओके, थैंक यू रिटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूत भूत नहीं है, और ये सब किया कैसे? बराबर। ये थोड़ी लंबी कहानी है, हम सब क्लब हाउस चलते वापस पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है, चले क्लब हाउस। चलो चलो ओके। जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया, तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। भैया, मैंने बाहर आकर पापा मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो, लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा इधर, चल। अरे पर बेटा, तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी भूतनी नहीं बाकी जींस वाली कोई लड़की है। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय, जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुली और तार लगे हुए थे, जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा और आकर मुझसे लिपट गया, और फिर मेरे पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू, तो रुक क्यों गया? फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स।
पर वहां पर ताला लगा हुआ था। गोली, अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहां पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू, जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे, उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया, ताकि भूतनी गैंग का मतलब लग जाए, चलो पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। सब मरोगे। और आप सब लोगों के सो जाने के बाद पीछे के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी, टीवी ऑन करो। अच्छा टप्पू, अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं, इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा, बच्चे उधर गए थे मतलब? और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सब ने क्या रिकॉर्ड किया है। सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सानिया, तुमने तो एकदम खबाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे बीड अंकल, ये सब वही वायर और केबल है जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सब के ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखते हैं यार? अरे उस वक्त बिजली चली गई थी। और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का।
अभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है, कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान कर दे। अंदर आ जाओ। हाँ। आ जाओ, जाओ। जाए लोगों, एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टपू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू फिल्म बचपन से ऐसा ही है। क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेश उत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी के गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। ये। ये। अरे सुनो सुनो सुनो, थ्री चीयर्स फॉर टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गोकुलधाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहां से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था और वो वहां से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुलधाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी होती, और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना शुरू किया ताकि इस भूतनी के नाम से गोकुलधाम निवासी डर जाएं और रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। इन्होंने सोसाइटी के कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से मुख्य थे सोसाइटी के सदस्य श्री जेठालाल गड़ा, उनके पिता श्री चंपकलाल गड़ा, सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, पत्रकार पोपटलाल और साइंटिस्ट श्री कृष्णन अय्यर। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए अपनी नकली भूतनी को हवा तक में उड़ा दी। इस हैरानी और परेशानी भरे माहौल में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा समझदारी और बहादुरी दिखाई वो थी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना। टप्पू सेना को यह आशंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने तैयब टेलर के घर पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी। टप्पू सेना ने हमारी कल तक चैनल से संपर्क किया और मैंने यानी कि आपकी रीटा रिपोर्टर ने टप्पू सेना के साथ मिलकर उस भूत पर स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से इस गैंग ने फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का प्रयोग करके हवा में उड़ने का ढोंग रचाया और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में अपना खौफ फैलाया। लेकिन अब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है, ये खौफ टल चुका है, क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत ही बहादुरी, समझदारी और सूझबूझ के साथ इस गैंग का सच सबके सामने लाया। और इतना ही नहीं, अब टप्पू सेना की वजह से पूरे देश के बच्चों के सामने ये मिसाल खड़ी हो गई है कि डर का सामना हमेशा डट के किया जाए तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। कल तक के दर्शकों के लिए खास चेतावनी, अगर आपकी सोसाइटी या आसपास के किसी भी इलाके में कोई खाली फ्लैट हो और वहां पर आपको कोई संदेहजनक हरकत होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव। हाँ जी, अरुण जयमिनी जी बोलिए। नहीं नहीं, आर्टिकल लिख रहा हूँ, बस प्यार पे लिख रहा हूँ। मैंने सोचा आज कुछ रोमांस पे हो जाए, इन दिनों वही सबसे ज्यादा चल रहा है। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, चल तो बुखार भी बहुत रहा है। हाँ हाँ, गुड आइडिया यार, मैं प्यार और बुखार दोनों के कॉम्बिनेशन पे लिखता हूँ। थैंक्स, बाद में फोन करता हूँ। बाय 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 बाय। प्यार और बुखार,
वैसे बात तो ठीक है यार, प्यार भी बुखार जैसा ही होता है। चलो आज दोनों के बारे में लिखता हूँ। प्यार, प्यार तो बारिश में बुखार जैसा होता है, कब किसे हो जाए कह नहीं सकते। बुखार के मरीज को डॉक्टर के भरोसे छोड़ सकते हैं, पर प्यार के मरीज को तो राम भरोसे होता है। तो बात नहीं आ पा रही यार, मजा नहीं आ रहा। कौन आ गया प्यार के बीच में? अंजलि तुम तो भीग गई। अरे बाबा बाहर बारिश है। कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, सुबह सुबह अंताक्षरी खेल रहा मेहता साहब। रे अरे जेठालाल तुम कब आए? अरे भाई मैं तो दुकान जा रहा था, बाहर तक आपका ऑर्केस्ट्रा की आवाज आ रही थी, तो मैंने बोला जरा देखो क्या चल क्या रहा है, गाने वाना है। अरे भाई तो फिर यहाँ आके देखो ना, आ जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो दुकान जाना बहुत काम है भाई, आप चालू रखो अपना रोमांटिक मोड। अरे जेठालाल सुनो सुनो एक मिनट, क्या जेठालाल यार, काय का रोमांस और काय का रोमांटिक मूड। असल में आर्टिकल लिख रहा था, और आर्टिकल लिखना था मोहब्बत पे, रोमांस पे, और वो फील नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा मूड बनाने के लिए क्या किया जाए, मैंने कहा इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, कुछ रोमांस के गाने गाया जाए तो मूड अपने आप बन जाएगा। इसीलिए गा रहा था। अच्छा यानी आप आर्टिकल लिख रहे थे इसलिए रोमांटिक गाने गा रहे थे, और मैं बेवकूफ ये समझ रही थी कि ये सब गाने आप मेरे लिए गा रहे हो। अंजलि 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 तो तुम्हारे लिए तो गा रहा था, और किसके लिए गा रहा था मैं? अंजलि समझने की कोशिश तो करो। बस तारक अब मैं सब समझ चुकी हूँ, मुझे तो चुहिया बना दिया है। चुहिया चुहिया चुहिया। हाँ जेठा भाई चुहिया। आपको पता है कभी भी किसी भी विषय पर कुछ भी लिखना हो तो सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट अंजलि मेहता पे किए जाते हैं, हुई ना चुहिया? अंजलि ऐसा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज तारक, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सी अंजलि सुनो, अंजलि चुहिया, अंजलि अंजलि अंजलि, मैं तो साहब अपना भाभी को चुहिया बनाए, ये तो बहुत गलत करते हो आप। जेठालाल ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अरे जो कुछ किया तुम ही ने किया है जेठालाल। अरे मैं तो अच्छा भला रोमांटिक गाने गा रहा था, उसी वक्त आ गए, और चलो आ गए तो पूछने की क्या जरूरत थी कि मेहता साहब आज बड़े रोमांटिक मूड में क्यों हो? पूछ लिया ना तुमने गलत सवाल, और गलत सवाल में मैं झोंक झोंक में सही जवाब दे गया। ना तो तुम सवाल पूछते, ना मैं जवाब देता, और ना ये चुहिया बीच में, मेरा मतलब ये बात होती। सॉरी, एक काम करो, भाभी जी को मनाने के लिए मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या मतलब? अरे भाई वो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो प्रेमी का रूट जाती है तो प्रेमी वो लेकर जाता है ना उधर, वो खाना खाने के लिए जा मोमबत्ती जलती है आज, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो फटाफट मान जाए। इट्स अ गुड आइडिया। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरे ओ थैंक यू। अंजलि मैं क्या कर रहा था कि बहुत दिनों से हम किसी कैंडल लाइट डिनर पे नहीं गए, तो क्यों ना हमारे उसी रेस्टोरेंट में चलें, फिर से एक बार पुरानी यादें ताजा करें, वही कैंडल लाइट डिनर फिर से करें। अंजलि भाभी ऐसे करके ना मत बोलो, ऐसे करके हाँ बोलो। हंसे 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 मतलब हाँ हाँ, जाइए आप जाइए दोनों आ जाइए। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ जी मैं यूँ, कहिए आपके लिए कूरियर है। बड़ा डब्बा लेके आए हो भाई, इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ हाँ